वो वकूफी नशोनुमा रियलिटी के साथ जो तजुर्बा मिलता है, रियल वर्ल्ड के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो तजुर्बा मिलता है उसके साथ बनता है, यानी कि रियल वर्ल्ड के साथ उसका इंटरेक्शन होने के वजह से वो अपना नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर लेता है, खुद तामीर कर लेता है। तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैसे मिलती है भाई? किसी भी चीज के साथ आप इंटरैक्ट हुए हैं तो वो एक्सपीरियंस के साथ में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ड्राइविंग सीखी और किसी ने ड्राइविंग नहीं सीखा, तो दोनों में एक को कहेंगे कि इसके इनके पास ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस है, उसके पास ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ड्राइव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट, जिसे आप टू व्हीलर कहिए, फोर व्हीलर कहिए, या ट्रेन कहिए, बस कहिए, वो उसके साथ इंटरैक्ट हुआ है रियलिटी में, तो उसको एक एक्सपीरियंस मिला। उस एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे पहली बार अगर आप फ्लाइट चढ़ रहे हैं तो किसी को होगा एक्साइटमेंट, खुशी और अचीवमेंट, जॉय होगा। किसी को होगा कि भाई डर है, हवा में उड़ रही है, पहली बार चढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग पहली बार जब फ्लाइट चढ़ते हैं तो रनवे पे वो जब जैसे ही हवा में उड़ने शुरू कर देते हैं, अंदर से घबराहट होती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे, वो शॉक में होते हैं, कई लोग तो चिल्लाते भी। यानी कि ये कि ऑब्जेक्ट के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के अब्स्ट्रैक्टनेस, यानी कि अलग अलग तस्वीर को पाते हैं। तो जो अब्स्ट्रैक्शन है, यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो अक्सर तीन लेवल्स पे होता है। कितने लेवल पे? तीन लेवल पे होता है। तो अब्स्ट्रैक्शन कैसे होता है? जो एक्सपीरियंसेस ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट होते हैं वो दो तरीके में हो सकता है, एक डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट रियलिटी, दूसरा कि किसी मीडिया के जरिए जो तजुर्बा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके आपके छोटा सा बगीचा है, आपका अपना ओन गार्डन है, उसके अंदर आपने एक, आज वर्ल्ड रोज डे तो मैं रोज का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कि आपने एक गुलाब फूल को देखे हैं, उसको टच किए हैं, उसका कलर को देखे हैं, उसका स्ट्रक्चर को देखे हैं, उसकी खुशबू को महसूस किए हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस है। सेम मगर हमने वर्चुअली देखे हैं कि ये उसको उसको हर एंगल से देखे हैं, 360 डिग्री से रोटेट करके देखे हैं, मगर अगर मैं देख रहा हूं तो वो एक मीडिया के जरिए हो गया, जो इनडायरेक्ट या मीडिएटेड एक्सपीरियंस कहा जाता है। तो एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंस डायरेक्ट है या एक्सपीरियंस मीडिएटेड है, दोनों भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट होने के वजह से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर बहुत सारे अब्स्ट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट को छोड़ के जाते हैं। तो ये अब्स्ट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट तीन लेवल के होते हैं। कितने लेवल के? तीन अलग अलग लेवल के होते हैं। क्या है कि अब्स्ट्रैक्शन जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट लेवल, यानी कि किसी भी जो चीज आपको दिखती है उसके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, जैसे कि कोई अभी जैसे क्या किसी को गाड़ी चलाना, कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना, पहली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लैब में आए हैं, उनके उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, तो पहली बार उनको पता भी नहीं था कि इसको हैंडल कैसे करते हैं, कीबोर्ड के अंदर कौन से लेटर कहाँ पे कहाँ है। क्यों? क्योंकि ये कीबोर्ड एक ऑब्जेक्ट है और इसे पहले का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए कंप्लीट नया चीज है। तो जब नई चीज को सीख रहे हैं तो उसका नॉलेज के उसमें वो रहेगा कि एंग्जाइटी रहेगा,
वो डरता रहेगा, उसको पता नहीं कि ये कैसा होगा क्या होगा। ओके, ये फर्स्ट। तो हमारा हमारा जैसे कि ऑब्जेक्ट से, दिस सेकंड है एक्सपीरियंस सब्जेक्ट लेवल रियलिटी में, थर्ड है कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट लेवल क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेवल में क्या होगा कि टैंजेबल, यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, उसको हम उठा सकते हैं, उन चीजों को लेते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स है, चाहे आप रहे या ना रहे, वो तो वहां पे रहेंगे। यानी कि आप, आपके लिए भी वो रियल रहेंगे और कोई भी दूसरा भी बंदा देखे। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे एक बुक गिर गया, तो किताब जब तक कोई नहीं उठाता वो तो वहीं पे रहेगा, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और ऑब्जेक्ट आपको भी वैसा ही दिखेगा जैसे दूसरे देख रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज रियल, वो एग्जिस्ट होता है। सेकंड ये है कि हमारे एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस है, एक्सपीरियंसेस अब्स्ट्रैक्शन में बहुत ही चेंज होता है, और एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं। एक एक्सपीरियंस आपके लिए सही हो सकता है, मगर वही एक्सपीरियंस आपके साथ में दूसरे के लिए सही नहीं भी हो सकता है। अब मामला यहीं से टीचर का के लिए क्या कहेंगे कि टीचर के लिए मुसीबत पैदा करने वाली चीज यही है जो अब्स्ट्रैक्ट लेवल कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, जैसे कि टाइम के बारे में समझाना। भाई कल, आज और कल, तीनों में क्या फर्क है? टाइम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इतना वक्त हमें हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत कम वक्त हो गया, तो एक ही टॉपिक एक ही वक्त में दो लोगों को अलग अलग अंदाज में समझ में आ सकता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। बट आपका एक्सपीरियंस आपके लिए सही है, मेरा एक्सपीरियंस मेरे लिए सही है। जरूरी नहीं है कि जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में हुआ है कि वहां पे एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट है, आप भी कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है, मगर एक्सपीरियंस हो सकता है कि जो पहली बार हवाई जहाज चढ़ा है, दो लोग एक साथ में चढ़े होंगे, ये एक बहुत बहुत खुशी खुशी के साथ आया कि मैंने पहली बार अपना एरो फ्लाइट का राइड ले लिया, मगर कोई दूसरा आदमी उसी के अंदर बोल सकता है कि अरे भाई, बचते हुए मैं भाई दोबारा सेकेंड टाइम मैं हवाई जहाज नहीं चढ़ने वाला। सेम इंटरेक्शन है, सेम ऑब्जेक्ट के साथ हुआ है, मगर एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव है, यानी कि ये की एक्सपीरियंस दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, और उसके साथ जुड़े हुए जज्बातें भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी के साथ खुशी, किसी के साथ गम, किसी के साथ शॉक हो गया, किसी के साथ परेशानी हुई। ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ आपके अपने नए नए कॉन्सेप्ट बदल। थर्ड पॉइंट, थर्ड लेवल और डीपर लेवल क्या है कि हमारे पास जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उस बेसिस पे हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं, उस कैटेगरीज को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब यह है कि एक जनरलाइज्ड बात हम कह देते हैं, जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट यह है कि फ्रूट एक कॉन्सेप्ट है, फल। फल फल मतलब क्या है, किसको हम फल कहते हैं? यहां पे मैं रेस्पॉन्स चाहूंगा, किसको आप फल कहते हैं और किसको आप तरकारी कहते हैं? जिसे हम काट कर खा सके, कच्चा खा सके, फल कहेंगे उसे, और जिसे पका कर खाएंगे वो सब्जी में आ जाएगा। अच्छा, जिसको पका कर खाएंगे तो वो सब्जी में आ जाएगा। yes. और जिसको अगर आप
जैसे मूली खाते हैं लोग। यस सर, मूली तो ओके, सब्जी में आ जाएगी फिर। हाँ मूली सब्जी में है, जैसे टमाटर खाते हैं। यस सर, एक्सेप्शन में है सर वो कुछ। नहीं, किसको हम अब बच्चों को समझाना है, बच्चों को हम सेग्रीगेशन बता रहे हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, उसको कॉन्सेप्ट समझाना है हमें आज का क्लास में बच्चों को, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास का बच्चा है। हाँ, उसको समझाना है कि तरकारी क्या होता है और फल क्या होते हैं, उसके सामने बहुत सारे चीजें रखे गए हैं, और उसका काम यह है कि उस लेसन कंप्लीट होने के बाद उस बच्चा उस लायक बने कि भाई उस दोनों के दरमियान में फर्क को महसूस करें, और उसके सामने अगर हम एक साथ में कुछ फल रख दिए और तरकारी रख दिए मिक्स करके, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद उसको इस लायक बनना है कि वो खुद से जाके एक बॉक्स में, एक डब्बा में या एक उसमें पूरे फल अलग करना है, दूसरा उसमें आप तरकारी अलग करवाना है। कैसे पढ़ाएंगे? सर जनरली बताएंगे कि फ्रूट्स मीठा होता है फ्रूट्स और मीठा होता है। सभी ओके, फ्रूट्स मीठा भी नहीं खट्टा भी तो आता, होता है, खट्टा नहीं होता है, खट्टा भी तो होता है। खट्टा होता है लेकिन बहुत कम ऐसे फ्रूट्स है ना कि जो खट्टे होते हैं, अक्सर तो मीठे ही होते हैं, जो खट्टे होते हैं वो भी कुछ मीठा होता है। जैसे मैंगो, यस सर, और जो मैंगो तो सब्जी होता खट्टा है वो मीठा दोनों। तीखा तीखा कड़वा उसका स्वादिष्ट टाइप का होता है। सर ऐसे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं कि कौन सा जड़ है, कौन फल है, कौन तना है, ऐसे मतलब बांट सकते हैं। तो क्या जो सब्जी नहीं, होता है वो भी तो किसी पेड़ का फल ही होता है जिसे हम सब्जी कहते हैं? हाँ, तो जैसे मूली है तो उसे ऐसे भी खाया जा सकता है, और मतलब पका के भी खाया जा सकता है, तो वो जड़ में आता है। परकंद है, जैसे अदरक। अदरक है, अदरक क्या मसाला है या तरकारी है? वैसे नहीं होता है, मसाला कलर अदरक मसाला है सर। तरकारी में इस्तेमाल करते हैं ना। यस सर, टमाटर क्या है? टमाटर टमाटर फ्रूट है या फल है? सब्जी में फ्रूट आएगा है या सर, उसको सब्जी वेजिटेबल में भी और फ्रूट में भी किया जा सकता है, सब्जी में भी किया जा सकता है सर उसको, क्योंकि हम लोग जब सलाद वगैरह बनाते हैं उसको है? ऐसे खा लेते हैं। सब्जी के जो पेड़ होते हैं वो तरकारी जिसे बोल रहे हैं वो छोटे होते हैं, और फल के जो पेड़ होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं जिसे। नहीं, सर हम आसान सब्जी तरीका वही होगा कि हम के दिखा के ही उसको समझा सकते हैं बच्चों को, जी, दिखा के ही बच्चों को समझाया जा सकता है कि फला चीज नहीं तरकारी नहीं है और फला। सारे चीजें हैं, बट सारे सारे फल को आप तो दिखा नहीं सकते ना भाई। मिसाल एक दो दे देते हैं, फिर फॉर एग्जाम्पल रियाजी पढ़ाते, रियाजी अच्छा पढ़ाते वक्त आप जनरलाइजेशन करते हैं ना, कॉन्सेप्ट का मतलब भी वही है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो, जैसे ये कहानी कहा जाता है, जैसे कि भाई इतने सारे जानवर है, इतने सारे कायनात के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स है नेचर के अंदर, तो ये कहा जाता है कि भाई हम कैसे पहचाने कि भाई कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। तो आप मुझे एक ऐसी क्वालिटी बताना है जिसमें आप एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे। मेरा एक काम करते हैं, ये जब जी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। तो किसी ने जनरलाइज ऐसा किया है कि भाई वो सारे जानवर जिसके कान बाहर दिखते हैं वो बच्चों को देते हैं, बच्चे देते हैं, और वैसे सारे जानवर जिसके कान बाहर नहीं निकलते हैं, नहीं दिखते हैं, वो अंडे देते हैं। जनरलाइजेशन सही है, ये स्टेटमेंट सही है, एक्सेप्ट करेंगे?
रिजेक्ट करेंगे। सही है सर, सही सही है। कुछ तो उदारीदार हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल ढूंढिए जिसको हम इसको रिजेक्ट कर पाए। जैसे आदमी है, खान बाहर है, बच्चों को देते हैं, जैसे मुर्गी मुर्गी है, उसके कान नहीं दिखते हैं और वो अंडा देता है। ओके, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट हो गया। अभी अभी ये प्रिंसिपल पता चला। तो अगर आपके सामने कुछ परिंदा को रख दिए या कोई भी जानवर को रख दिए, अगर आप पूछ लें तो क्या आप कान देख के वो बता सकते हैं कि ये अंडा देगी या बच्चे देगा, बता सकते हैं या नहीं? सर, दैट इज अ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट। मतलब वो उन बच्चों को अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई बाहर में जिसको भी दिखा दीजिए आप, एक क्लू के साथ वो पता कर लेगा कि भाई ये है, ये अलग है। अब हमारे क्लास में नेक्स्ट मसला ये है कि बच्चों को तरकारी के बारे में समझाना है और फल के बारे में समझाना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एक के बदले में एक लाते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जनरलाइज्ड कैटेगरी में अगर बोल सकते हैं तो वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं ना बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब यह है कि ऐसी अब्स्ट्रैक्शन उनके बच्चों के अंदर आया है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी सर, व्हेल मछली जो होता है उसका कान बाहर नहीं दिखाई देता, उसके बावजूद वो बच्चे देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। व्हेल्स, यस यस, ओके, एक्सेप्शन में आ जाएगा सर। हाँ, नहीं नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट में दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक है कोर कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट, जिसमें एक्सेप्शनल है ना वो उसके अंदर आता है। ऐसे ही तरकारी और फ्रूट्स में जो बॉटनी वाले तो बखूबी जानना चाहिए कि बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉटनिकल एसोसिएशन कि टमाटर एक फ्रूट है, टमाटर एक फ्रूट है, बट हमारे डे टू डे इस्तेमाल में वो तरकारी बन गई। जैसे कि सोलर सिस्टम में अभी कितने प्लैनेट्स हैं, कितने सैयारे हैं? इसे पहले कितने थे? वारिस कितने हैं? वारिस नौ कैसे हो गए? वारिस अभी 8,000 नाइन थे। अच्छा, तो फ्लूटो किधर चले गया? वो उसमें मतलब वो किधर, अल्लाह ताला वहां से उसको तरकारी है या फल है? फल है। तो इसमें ये मसला था, इस मसला को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि अच्छा ये इसमें क्यों आ रहा है, इसमें क्यों करना है, और हम जाएंगे कि इसको किस कैटेगरी में डालना है। कैटेगरी में डालने के लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए, वो क्राइटेरिया सारे ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इस वजह से हम इसको तरकारी नहीं कह सकते, और इस वजह से हम इसको इसको फल कह सकते। अब हमारा हम क्या किए, एविडेंस कलेक्ट किए हैं कि भाई जाके तरकारी का डेफिनेशन जो इंटरनेशनल बोटानिकल एसोसिएशन ने दिया है, सैयारा का डेफिनेशन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट वाले जो उनका डेफिनेशन दिया है, उनके अपने डेफिनेशन में ये उसके साथ नहीं जुड़ रहा है। समझ में आ गया, एविडेंस मिल गया, उस एविडेंस के बेसिस पे हमने कंक्लूजन तक पहुंच गए, इन्फरेंस निकाला कि राइट भाई फ्लूटो अभी सैयारा नहीं है, हालांकि अभी भी वो अपने जगह पे अपने खुद के अपने एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, और आज भी सूरज के दरमियान मतलब दरिया में वो फिर रहा है। बट फिर भी हम कहेंगे कि फ्लूटो आज अभी सैयारा नहीं है। तो एक कंक्लूजन आ गया, इन्फरेंस हम डे टू डे लाइफ में एवरी डे मुझे चाहिए। इवन फॉर एग्जांपल आप अपने हॉस्टल में थे और किसी के रूम में किसी के पास पैसे चले गए, या किसी के रूम में से चीजें मिस हैं, किताबें चोरी हो रहे हैं,
तो किसी को आपने देखा देखा कि नहीं ये बंदा हो सकता है कि चोरी किया है, तो आप कैसे कहेंगे? सर ऐसा है कि जब भी चीजें चले जाते हैं तो डिसअपीयर वो तो हमारे बीच में रहते हैं, और किसी ने कहा कि उनके रूम में से निकल जाओ तो वो हटाने देगा, और ये वो होने के बाद किसी दूसरे जगह पे उन चीजों छुपाता है और फाइनली पकड़ा गया है सर सीसीटीवी। यानी कि आपने बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किया, एनालाइज किया, एविडेंस कलेक्ट किया, फिर फाइनली कंक्लूजन में पहुंचा कि ये बंदा था वो जो चोरी किया। डे टू डे लाइफ में भी हम होता है, और हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं भाई, हर एक इंडिविजुअल का अपने जो बिहेवियर है, उसके एक्सप्रेशंस होंगे, उसके बॉडी लैंग्वेज होगा, ये सारे चीजें आपको इनडायरेक्टली इंप्रेशन देते रहते हैं, और इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अब जब बच्चों को पूछा जाता है कि क्या आपकी पढ़ाई ठीक से हो रही है, कौन से टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कौन से नहीं पढ़ा रहे, तो आपने ऑलरेडी एनालाइज किया होगा और एविडेंसेस आपके साथ में है, तो तभी जाके आप फाइनली कंक्लूड कर देंगे, इन्फरेंस निकालेंगे कि ये टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे। ये हर दिन होता है, बट ये काम हम सब्जेक्ट के साथ भी करना है, जो मवाद हम सीख रहे हैं वो। और इन्फरेंस एक मेंटल प्रोसेस है, और ये ऑटोमेटिकली हर एक फर्द के अंदर चलता है, बट हम बच्चों को ये बाय नेचर एडोलेसेंस के बाद में डेवलप होता है, बट हमें ये चाहिए कि भाई बाय एक्टिविटीज, बाय क्रिएटिंग, यानी कि उनको वो माहौल क्रिएट करें, उसे चैलेंजिंग टास्क दे, ताकि बच्चों के अंदर एर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे, यानी कि वेरी मच जितने 4 साल 5 साल से ही, अब अगर उनके अंदर जो इन्फरेंस निकालने का, एनालिसिस करने का, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को माइंड में रखते हुए उनको टास्क देंगे, तो ये क्वालिटीज उनके अंदर जल्दी जल्दी डेवलप होंगे। अब रही बात, हम कह रहे हैं कि इन्फरेंसेस निकालने के लिए एनालिसिस की जरूरत है, बट एनालिसिस कैसे करना, क्या हर बात पे हम एनालिसिस हो सकती है, क्या एनालिसिस करने का कोई तरीका है? अक्सर पूछा जाता है एनालाइज द सिचुएशन, एनालाइज एनईपी, एनईपी को तजिए हमें बताइए एक रिपोर्ट लिखे, कैसे करेंगे आज बताएं। एनालिसिस क्या है कि हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे अगर कोई पुलिस है या सीबीआई में ऑफिसर है, सीबीसीआईडी जो कहते हैं, सीआईडी वाले हैं, वो कोई मसला है तो कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, ऐसे डीपर में जाना है। ये क्या है एनालिसिस, एनालिसिस क्लोज केयरफुल और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है। एनालिसिस का मतलब ही यही है कि भाई जो बड़ा है उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देना है, यानी कि छोटे छोटे हिस्से करना है, एक एक हिस्से को फिर क्लोजर एग्जामिन करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े टॉपिक्स को आप छोटे 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 हिस्सों में बांटेंगे, फिर एनालिसिस का मकसद ये नहीं है कि इन चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, बट एनालिसिस का हिस्सा यह है कि जो पूरी चीज है, होल सिचुएशन को समझने के लिए हम पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एनईपी को टोटली पढ़ना है तो आपको पार्ट वाइज जाना है, तो आप क्या करेंगे, ओवरऑल एक लुक लेंगे, फिर एक फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, ये 5 चैप्टर में अलग अलग से क्या कहा गया, उसमें अगर आप सिर्फ इवेल्युएशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर एरिया में इवेल्युएशन के बारे में कुछ है पार्ट, उसको देखेंगे। तो क्या करना है हमारे पास, ये कि अलग अलग पार्ट्स क्या है वो समझे, फिर एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कैसा रिलेशन है इसको समझे, तो एनालिसिस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल H2O है, पानी को H2O कह रहा है, क्या अब H2O को समझना है तो मुझे H एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम के बारे में पता चलना है, और मैं अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ कि H और ऑक्सीजन के 2 पार्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप कैसा है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं, कब तक जुड़ के रहेंगे वो,
हाइड्रोजन के लिए अब मैं थोड़ा सा भी डेप्थ में जाता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो ओके हाइड्रोजन का जो केमिकल बॉन्डिंग है और ऑक्सीजन के अंदर दो दो है और हाइड्रोजन के पास दो है और ऑक्सीजन के पास एक है, और ये तीन कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हाइड्रोजन को ये 1s1 है मगर दो स्टेबिलिटी के लिए दो चाहिए, उसके पास भी स्टेबिलिटी के लिए दो चाहिए, वो 8 है, उसके अंदर दो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीन मिलके है और बीच में ये बॉन्डिंग है, एक आयनिक बॉन्ड है एक। ये सारे पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा H2O को अगर H2O में ऑक्सीजन है, अगर मुझे वहां से ऑक्सीजन अलग करना है, ऑक्सीजन निकालना है, तो कितना एनर्जी डालने से या निकालने से वो अलग होके मैं ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ थियोरेटिकली। तो सेम एनालिसिस में ये भी है कि भाई क्यों हर चीज में एनालिसिस हो सकते हैं, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या प्रॉब्लम है, या नहीं तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ने में और जीडीपी से क्या रिलेशन है, ये कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के कैसे मिलाया जा सकता है, क्यों लोग कहते हैं कि तालीम के लिए पैसे ज्यादा देना चाहिए, तालीम के लिए जीडीपी बढ़ाने, जीडीपी में तालीम के लिए पोर्शन बढ़ाने से तरक्की कैसे होगी, तो ये चीजें एक पार्ट दूसरे पार्ट के अलग अलग पार्ट्स क्या है और उस अलग अलग पार्ट में एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कैसे मिलता है, ये हमारे एनालिसिस के अंदर आता है। तो इन्फरेंस क्या है, एनालिसिस के बुनियाद पर अगर आप फैसला ले रहे हैं तो वो फैसला जाफरी क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? हेलो स्क्रीन विजिबल है? तो इन्फरेंस क्या है कि भाई कंक्लूजन निकालने के लिए हम एनालिसिस को इस्तेमाल करेंगे, एनालिसिस के जरिए हम एविडेंस को पता करेंगे और उस एविडेंस के बुनियाद पे हम एक कंक्लूजन तक अगर पहुंचते हैं तो वो इन्फरेंस होगा। और एनालिसिस करने का क्या तरीका है, एनालिसिस को करने के लिए एक क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए, बहुत गहरा मुशाहिदा करने की जरूरत है, और ये जो है एनालिसिस करना एक साइंटिफिक तरीका है, उसमें सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हर पार्ट में, मतलब उसके में कितने पार्ट कितने अलग अलग हिस्से जुड़े हुए हैं, हर एक हिस्सा के को आप जाने, फिर एक हिस्सा दूसरे हिस्सा के साथ कैसे जुड़ा हुआ है उसको भी जाने, और उनके दरमियान में जो मसले मसाइल है उसको अगर समझ पाएंगे तो एनालिसिस हो जाएगा। तो उसके बाद आखिरी 9 मिनट्स में हम ये कंप्लीट करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसी में लास्ट रिफ्लेक्शन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद ही हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या होता है उसको समझ सकते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इन जनरली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं या आयना को देखते हैं तो जो भी चीज है वो फिर हमारे सामने गुजरते हैं और फिर हम फाइनली आयना में जब देखें तो कहते हैं कि अरे आज कितने रफी तो कितना अच्छा दिख रहा है, और कभी कभी हम देखते हैं कितने बदसूरत लेके चल रहा है, देखो फेस के अंदर कुछ स्माइल ही नहीं है। दोनों में क्या कर रहा हूं मैं अपने अपने बारे में, मैं खुद के बारे में कुछ एनालाइज कर रहा हूं जो दिख रहा है, क्योंकि वहां पे आईना है तो कुछ दिख रहा है, मगर पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए आईना कहां से लाओगे, क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट है। जब अब्स्ट्रैक्ट है, एक्सपीरियंसेस है, उसको एनालाइज करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन होगा। जो एक्सपीरियंसेस अब्स्ट्रैक्ट नेचर है उसके बारे में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और उस रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हमें कंक्लूजन भी मिल जाता है। तो ये क्यों जरूरी है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है,
तो इसलिए कि आज पहले दिन मैंने क्लास जब पढ़ाया था ऑनलाइन में, बच्चों के साथ कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही थी। फिर दूसरे तीसरे दिन में हमने थोड़ा सा सोचा कि क्या हो रहा है प्रोसेस में और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि कल का जो तजुर्बा था, पास्ट नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे, उसके बुनियाद पे नया नॉलेज या नया एक्सपीरियंस को तब्दीली करने की कोशिश की। ये कैसे पॉसिबल हुआ? पॉसिबल इसलिए हुआ कि मैंने रुककर क्या हुआ है इसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया। तो रिफ्लेक्शन के अंदर इन्फरेंस भी रहेगा और एनालिसिस भी रहेगा, और इन्फरेंस एनालिसिस खुद पे रहेगा कि मैं आज क्या पढ़ाना चाहिए था, क्या मैंने जो चीज को सोचा था उसको एज इट इज अच्छे से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, मेरा अपना सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, ये तो एक बात है। दूसरा है कि मेरा अपना, अभी कहते हैं ना कि सर फीडबैक, सेल्फ फीडबैक, आपको क्या लग रहा है आपकी तैयारी एग्जाम से पहले? सर मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, क्योंकि आपको पता है, आपका खुद का एक जजमेंट है, इन्फरेंस ले लिए हैं, एनालाइज किए हैं कि देखिए एग्जाम का पैटर्न ये होता है, मैंने ये सारे लेसन को पढ़ लिया, इसके लिए मैंने नोट्स भी बनाया था, मैंने प्रैक्टिस भी किया। तो चाहे किसी भी कोने से या किसी सब्जेक्ट के किसी भी एरिया से सवाल पूछा जाए, आंसर करने के लिए तो मैं तैयार हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा। ये फिर एग्जाम लिखने के बाद आपको क्लियर हो गया कि मुझे पता था कि मैं अच्छा लिखूंगा और लिख भी दिया। क्यों? क्योंकि देखो ये सवाल पूछे हैं और ये सवाल के जवाब मैंने ऐसा लिखा। तो रिफ्लेक्शन हर दिन होता है, बट जब क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव्स मेरे क्या थे और विद इन टाइम मैं क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स को मैंने कंप्लीट कर पाया या नहीं कर पाया। और जब रिफ्लेक्शन करते हैं तो ये एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलाने की आदत डाल देती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पानी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पानी सोशल स्टडीज में भी रहेगा, पानी के बारे में H2 साइंस में भी रहेगा, तो दोनों के दरमियान में कनेक्शन एस्टाब्लिश करने की कोशिश करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवन जैसे आप हैं, आप भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि पहला सेमेस्टर में आपने कितना मेहनत किया और कैसे परफॉर्मेंस दिए थे, और सेकंड सेमेस्टर में कितना मेहनत किया और कैसे परफॉर्मेंस दिए थे, और अब क्या हो सकता है। रिफ्लेक्शन सेल्फ सेल्फ रेगुलेशन का एक पार्ट है या मेटाकॉग्निशन का एक पार्ट है, जो आपके आपके अपने किए हुए एक्ट को, हम जो काम किए हैं उसके ऊपर हम खुद एक आयना के जैसे एक क्लियर पिक्चर देख रहे हैं और उसके ऊपर पूछ रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और एक इन्फरेंस पर पहुंच रहे हैं। इसमें क्या होते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें एक मौका मिलता है। ठीक है, तो मैं अभी क्लास में, कोई किसी को कुछ डाउट है इस इन टॉपिक्स के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अभी 4 मिनट हमारे पास। सर, जी जब आवाज कट रही है।